सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बात करता हूँ, पहले पुराने पोल की तरह से बात कर रहा था कि यार क्या अगर एक कम कीमत में आता है आईफोन या फिर अगर आईफोन की प्राइस एप्पल कम कर देता है तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे। जैसे भैया 58% बोलते हैं नहीं नहीं हमको बचना है एप्पल से, हमारे लिए एंड्रॉयड ही बेस्ट है, और ऐसे में जो बाकी है वो ये बोलते हैं कि जी हाँ बिल्कुल हमने हाथ खोल के स्वीकार करना है एप्पल को अगर एप्पल आता है कम कीमत में। तो आज का सवाल आपसे ये है कि भैया बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की कि भैया अब आएंगे तब आएंगे ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ब्रांड होगा जो लेके आएगा दुनिया का पहला फोल्डिंग स्मार्टफोन? बताइए दोस्तों क्या रहती है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट सेक्शन में, और सारी बातें मिला लो एक साथ, एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने पर बता दूं आपको एक अपडेट कि भैया कल शाम को आने वाला है स्नैक मसाला, और ऐसे में आपके पास में कल शाम तक का ही टाइम है पार्टिसिपेट करने के लिए गिव अवे कॉन्टेस्ट का, जो कि दोस्तों मैंने लगाया था पिछले स्नैक मसाला में। आप जाके अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए पार्टिसिपेट, क्योंकि इसमें रिजल्ट आएंगे कल शाम को स्नैक मसाला में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, साथ में आईफोन XS मैक्स वाली वीडियो में थोड़ा सा और प्यार दिखाओ, उसको और फैलाओ, बिकॉज लाइक नहीं हुए हैं 1 मिलियन, 7,63,000 ही हो पाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों गिव अवे फिर कैसे होगा अगर मिलियन लाइक्स नहीं होंगे? तो ऐसे में थोड़ा सा उस पर और प्यार दिखाओ। उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे थोड़ा सा डिसलाइक वाली न्यूज, न्यूज डिसलाइक वाली है, वीडियो को तो लाइक ही कर दोस्तों। तो यहां पे बात हो रही है फेसबुक की, जहां पे फेसबुक ये बोलता है कि भैया पर्सनल डेटा करीब 29 मिलियन लोगों का चुरा लिया गया है। मतलब फेसबुक खुद से अगर बोल रहे हैं 29 मिलियन, तो पता नहीं दोस्तों 29 मिलियन है कि उससे भी ज्यादा है। और यहाँ पे फेसबुक पे तो मतलब कुछ भरोसा रहा ही नहीं, ये सारे मिलके हमको यार पागल बना रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे फेसबुक ये बोलता है कि हम आने वाले दिनों में हमारे यूज़र्स को बताएंगे कि भाई अगर वो अफेक्ट हुए थे इसमें तो उनका क्या क्या डेटा चुराया और कैसे हुआ या जो भी सारी बातें हैं। लेकिन यार 29 मिलियन लोग यानी कि 2,90,00,000 लोगों का डेटा बस चुरा लिया गया, पर्सनल डेटा। मतलब फेसबुक पे मेरे को तो भरोसा रहा नहीं, मैं शायद अपना फेसबुक अकाउंट वगैरह डिलीट कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। ऐसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं सबके बारे में मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे क्वाड रोटर्स की तरफ से, मतलब दोस्तों ड्रोन क्वाडकॉप्टर वगैरह। और ऐसे दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे लगी होती है 4 मोटर्स, अगर यहाँ पे एक अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को काम में लिया जाए तो यहाँ पे अगर एक मोटर खराब भी हो जाए उड़ते उड़ते तो यहाँ पे दोस्तों उसको सेफली बड़े आराम से लैंड किया जा सकता है। वो मैन्यूवर इतना आसानी से नहीं कर पाएगा लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे बिना क्रैश के उसको उसने लैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा एक नया एल्गोरिथम डेवलप किया गया है कि कैसे सिर्फ 3 मोटर्स के दम पे उसको हम उड़ा पाएं, और ये एक अच्छी बात है। मतलब वरना ऐसा ना हो कि आपने बहुत कुछ एक इंटरेस्टिंग सा शूट किया, कुछ ऊपर से वीडियो अचानक से एक मोटर गायब और बाद में धड़ करके क्रैश। अभी एटलीस्ट वो स्टेबलाइज तरीके से उसको उतर पाएंगे, हालांकि ये रिसर्च है, आगे चल के कमर्शियल प्रोडक्ट्स में देखते हैं हमको ये फीचर्स कब तक देखने को मिलते हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कैमरा को लेके। मतलब यार हम दोस्तों जब लेते हैं ना DSLRs वगैरह या फिर और कोई फास्ट कैमरास, तो होता है 5 फ्रेम्स पर सेकेंड, 10 फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 फ्रेम्स पर सेकेंड, 20 फ्रेम्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है फास्ट कैमरास की, तो हमारे पास मोबाइल फोन में होता है फिर 480fps, 960fps स्लो मोशन के लिए, लेकिन ये दोस्तों दुनिया का फास्टेस्ट कैमरा है, उसमें है 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड कैप्चर करने की कैपेसिटी। मतलब सोचो कि आप क्या क्या और कैसे कैसे दोस्तों शूट कर पाओगे इस कैमरा से। हालांकि दोस्तों ये डेफिनेटली सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए ही है, जहाँ पर दोस्तों डेवलप किया गया है इसको INRS और कैलटेक के बीच में एक कोलैबोरेशन के बाद में, लेकिन 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड बहुत ज़्यादा ही है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल की तरफ से, और गूगल दोस्तों पेरेंट्स को दे रहा है एक टूल किट ताकि वो और अच्छे से समझ पाएँ कि ऑनलाइन सेफ्टी क्या है, वो अपने बच्चों को दोस्तों आगे इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से बता पाएँ, खुद अपने बच्चों पे नज़र रख पाएँ, ये देख पाएँ कि भैया वो सारे काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं इंटरनेट पे। और ऐसे में कुछ $1,000 के दोस्तों जो ग्रांट्स हैं वो भी दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि वो और इस मैसेज को स्प्रेड कर पाएँ, बिकॉज ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं और उनको अगर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं इन सब चीज़ों के बारे में तो वो दोस्तों ऐसे में ऑनलाइन किसी चीज का शिकार हो सकते हैं। तो पेरेंट्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों तक सही मैसेज को पहुंचा पाएं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे OnePlus 6T को लेके।
रिपोर्ट्स बोलते हैं कि इसमें होने वाला है एक कम्प्लीटली नया सा ही कुछ यूआई, मतलब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा कुछ जेस्चर्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो मतलब देखते हैं कि क्या होता है अभी वन प्लस सिक्स टी में, कैसा होता है ये यूआई, कैसे जेस्चर्स को इम्प्रूव किया जाता है। फ़ोन तो खैर दोस्तों लॉन्च हो ही रहा है 30 अक्टूबर को एक साथ यहाँ पर इंडिया में और न्यूयॉर्क में, देखते हैं कि क्या होता है ऐसे में वन प्लस सिक्स टी को लेके। और वीडियो आएगी, आप बस इंतजार करो, कुछ अच्छा ही होगा। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे शाओमी के ओलंपिक मैराथन जूतों को लेके, मतलब शाओमी ने क्या क्या बना दिया है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये जूता है, हालांकि ये बहुत पहले बनाया था, अभी इसमें कुछ नए कलर्स वगैरह आ गए इस जूते में, और जो कीमत है वो है सिर्फ 269 युआन, यानी कि सिर्फ करीब 2600-2700 रुपये। और ऐसे में ये है शाओमी का ओलंपिक मैराथन जूता, मतलब जूते क्या, चप्पल क्या, कपड़े क्या, घड़िया क्या, वॉलेट क्या, पेन क्या, पेपर क्या, लैपटॉप क्या, लाइट क्या, बल्ब क्या, पंखा क्या, मतलब सब बना दिया है शाओमी ने, सोचो यार क्या बात है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, और मैं आपको कल बता ही रहा था कि यहाँ पे व्हाट्सएप और जियो जो है वो मिलकर भैया खबरें फैलाने वाले हैं, नाटक कर करके व्हाट्सएप के बारे में कि कैसे व्हाट्सएप पे आएँ, कैसे काम करें, कैसे फेक न्यूज़ को पहचानें, कैसे सही तरीके से काम करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक आप झलक देख लो सामने, जहाँ पे लोग जो है वो वही नाटक प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ स्किट्स के जरिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भैया कैसे व्हाट्सएप के ऊपर सही तरीके से यूज किया जाए इस चीज को, मतलब क्या सही है और क्या नहीं है। लोगों तक खैर ये अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है, और आई बिलीव अगर ये चीज दोस्तों वो छोटे टाउन्स में और रूरल एरियाज में जाकर ज्यादा करें तो वहां पे जो नए लोग अभी इंटरनेट पे आ रहे हैं उनको और अच्छे से मालूम चलेगा इन सब चीजों के बारे में। और ऐसे में व्हाट्सएप जो है वो शायद इतना सारा सामान जो दोस्तों फैलाते रहते हैं फेक न्यूज का वो थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया 48 आवर्स के इंटरनेट बंद होने को लेकर, और मतलब चारों तरफ से हवा सा बन गया है। कल से मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनेट बंद हो जाएगा, 48 आवर्स तक इंटरनेट नहीं मिलेगा, मतलब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, मतलब यहां पर दोस्तों इतना हवा बना दिया इस चीज को। आईकैन बोलता है कि ये मतलब भैया कंप्लीटली क्लिकबेट है, 99% लोगों को तो इसका फर्क पड़ेगा ही नहीं, उनको मालूम चलेगा नहीं कि भैया मतलब उनका इंटरनेट जो है वो कब सही था और कब नहीं था। यहां पर दोस्तों सारा काम जो है वो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, जहां पर दोस्तों मेन काम है रूट की साइनिंग की के रोल ओवर का, वो मतलब शुरू भी हो गया है, किसी को अभी तक नहीं चला है, और यहां पे 99% लोग जो है वो एकदम नॉर्मल तरीके से अपने इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि क्या आपके इंटरनेट पे कोई फर्क पड़ा है, अगर नहीं पड़ा है तो बल्ले बल्ले, और अगर पड़ गया है तो आप कौन सा वीडियो भी देख पा रहे हो गए। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले को लेके, जहां पर दोस्तों Q3 में कुछ ऐसा हुआ है कि एप्पल के ऐप स्टोर ने 94% ज्यादा रेवेन्यू कमाया है, अगर आपसे बात करता हूँ कंपेरिजन गूगल प्ले स्टोर के साथ में। तो मतलब ऐसे में ज्यादा लोग शायद जो है वो एप्स या सर्विसेज वगैरह ज्यादा परचेज करते हैं iOS डिवाइसेस में कंपेयर्ड टू दोस्तों एंड्रॉइड फोन में। तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि क्या आपने कभी किसी पेड ऐप को परचेज किया है, फिर चाहे वो आपके आईफोन के लिए हो, चाहे वो आपके एंड्रॉइड फोन के लिए हो, अगर किया है तो वो कौन सी ऐप थी, नीचे कमेंट्स में लिख डालिए। अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे पोकेमोन गो AR+ मोड को लेके, और ये दोस्तों आ गया है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में जिनमें भी है AR कोर का सपोर्ट। पोकेमोन गो मेरे को गेम याद है 2016 में आया था और बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर भी हुआ था। आज की डेट में मैं तो पता नहीं, मैंने बस एक ही बार उस टाइम पे खेला था, कि आप इस गेम को आज भी खेलते हो या आपको मालूम भी है इस गेम के बारे में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है पोको F1 को लेके, और ये एक अच्छी बात है कि दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है ऑफलाइन मी स्टोर्स में 13 अक्टूबर से। तो अच्छी बात है अगर आप इस फोन को ऑनलाइन परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे दोस्तों भी ऑफलाइन भी आ गया है मी होम स्टोर्स में 13 अक्टूबर से, जा सकते हैं, फोन को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके बाद अपना फैसला बना सकते हैं कि क्या आपको चाहिए या नया पोको F1 या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Vivo Z3i को लेके, ये फोन दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे है 6.3 इंचेस का डिस्प्ले, 24 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो मिलता है प्रोसेसर वो है फिलहाल तो MediaTek का Helio P60, और इसको यहाँ पे चाइना में लॉन्च किया गया है। तो मतलब अभी इंडिया में P60 का तो सेंस बनता नहीं है, अगर कोई नया फोन आता है तो वो आना चाहिए डेफिनेटली Snapdragon 710 के साथ में, बिकॉज ऑलरेडी Snapdragon 660 वाले फोन तो अवेलेबल हैं। देखते हैं कि इंडिया में Snapdragon 710 के साथ में Vivo का फोन लेके आता है कि नहीं, और अगर वो आता है तो क्या वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे भैया एक नई रिसर्च को लेकर, जहाँ पे दोस्तों साइंटिस्ट ने ग्रो कर लिए हैं छोटे छोटे ह्यूमन रेटिनाज, और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है भैया कि कैसे हम क्योर कर पाए ब्लाइंडनेस वगैरह को। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक फोटो आप देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो है वो स्टेम सेल से ये काम पूरा शुरू हुआ, उनको पहले ग्रो किया गया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स
इंग्रेडिएंट्स तरह तरह के केमिकल डालने के बाद में जो रेटिनाज है उनको डेवलप किया गया। तो मतलब ये जो चीज है इसके चलते शायद हम आगे चल के ब्लाइंडनेस को क्योर कर पाए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल प्ले मार्केट प्लेस को लेकर, और ओरिजिनल गूगल प्ले को लेकर। मतलब दोस्तों यहाँ पे है ये एक डुप्लीकेट गूगल प्ले स्टोर का, लोगो काफी हद तक सेम है पहली बात में, शायद आप जो है वो देख के ऐसे अंदाजा ना लगा पाए। और ये दोस्तों जो ट्रोजन है इसके चलते बहुत सारे डिवाइसेस अफेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे में इसके अंदर जो आपको एप्स मिलेंगी वो बहुत सारी फेक भी हो सकती हैं। तो आप भैया बच के रहो, कहीं आपके फोन में ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है इंस्टॉल्ड उसको कर दो चुपचाप से अनइंस्टॉल। ऐसे में जो चाइनीज फोन्स वगैरह हैं वहां से शायद चीज घुस के आ सकती है कि गूगल प्ले की जगह लगा दे गूगल प्ले मार्केट प्लेस, बंदा वहीं पर खोल के लॉग इन करके सारा काम तमाम घुमा रहा है पूरा का पूरा। लेकिन ये तो एक ट्रोजन है, यानी कि दोस्तों किसी के वेश में कुछ और बिहाइंड द सीन्स आपके फोन के साथ में पूरा का पूरा काम उल्टा सीधा करता रहे। तो दोस्तों बस ये तो आज के अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुना हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।